झगड़ो, उसको तेज झगड़ लो। चलो हाँ, कहाँ से आए तुम लोग? जोर से बोलो, दुनिया देख रही तुम? आप मालेगांव से आए? मालेगांव से। पहले हाजिर हुआ गैंग पे? हाजिर होता जबान नहीं बोलता। अच्छा, झगड़ लो इसको, अब इसके हाथ उठा, झगड़ लो उसको, झगड़ लो उसको। चलो इतर लगाओ उसके नाक में दम करा के। ए कैमरे वाले, कैमरा पकड़ सही तरीके से, लगा लगा पूरी ताकत लगा। बुलाओ जंजीरा वालों को, उसको डालो जंजीरा और उसको खूब मारो जकड़ के जंजीरों से, इतना मारो उसको भी, उसको खाल उधर दो। इधर लाओ, आगे लाओ, आगे लेके आना सही हूँ। लगाओ उसके नाक में, पीठ पे खड़ी रखील खींचो, खांदों पे लगाओ, जल्दी जल्दी। उंगलियां मसलने का नहीं, उंगली भी लगा के सीधा लगाने का। चला पूरी ताकत लगा क्या। गले में क्या है उसके? चल भाई लगा, पूरी ताकत लगा, जल्दी पकड़ लो उसको तेजी से। बुलाओ जंजीरा मारो, बुलाओ उसको, डालो जंजीरा उसको, तेज डालो उसको जंजीरा, और जकड़ लो उसको तेज, जकड़ो उसको, धड़ा पूरी ताकत जकड़ो उसको तेज। लगा और जोर से, पूरी ताकत लगा, जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो। चल लगा, कम्बा कदार जोर से ताकत लगा, चल लगा पूरी ताकत लगा, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको। बंदा लो उसके हाथों को, बंदो तेज से, तुम्हारा को कौन बोल रहा है? बच्चू बटो ना, बंदा लो उसके हाथों को और तेज से बंदा लो, बंदो उसको और तेज से बंदो उसको, जकड़ के पड़े तक मेरे स्टॉप करो, बिस्मिल्लाह। चल लगा पूरी ताकत और जोर से, अब जलाओ, अब पेट में से आग लगाओ, वो सारी दवा को इस तरफ जमा करो, जकड़ लो उसको, तेज जकड़ो उसको अंदर से और जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ। खत्म करेंगे उसको पूरा, तब
हाँ तुम भी लगाओ, तेजी से आग लगाओ। चलाओ उसके दोनों हाथों में और तेजी से आग लगाओ, भड़काओ अंदर से, जुल्म दे रहा हूं उन लोगों को, बताओ उसको अल्लाह कलाम की ताकत, तेजी जकड़ लो उसको और जकड़ो उसको तेज और खूब मारो उसको अंदर से आग लगा कर। चल बोल उसको कब मारने वाला था, मास में पूनम में कब मारो बोले, कब मारो बोले, चल बोल कब मारो बोले उसको, अम्मा पूनम को नतीजा क्या, क्या था, तेज झगड़ो चल रहे, बोल कब मारो बोले बच्चे को, अम्मास में पुन्नम में और जोर से पेट में से आग लगाओ, गिलास में डालो जी, दिख रहा नहीं क्या तुम, आप गिलास है ना वो क्या, इतना रखो यहाँ पर, लगाओ उसके पेट में से आग लगाओ तेज से, जलाओ उसके पेट में से आग लगा दो पूरी, और सबको एक तरफ जमा करो उसकी पूरी दवा को, जलाओ तेज से,
जलाओ से मारने वाला गुलाब खूब मारी है। एक पान बॉटल है स्प्रे का लाओ एक और जोर से लगा पूरी ताकत तेरी कितनी है तो लगा पूरी ताकत नाला जल्दी मुंडी ऊपर खदे इतनी कोई औकात नहीं मुंडी उठाने के ऊपर काम में लोगों को दखली बात है अरे जबड़ा उसके हाथ को और तेज जबड़ा नाला कि फुरा काट के लिए लियो बाप का राज चल रहा उसके लोगों को परेशान करने को ऐसा बंदा लो यहाँ तो बोलो झगड़ लो वहां तो मैं सनसेना डाल के डालो उसको जंजीरों से और तेज से बंदो उसको जकड़ के Oh, no.
इलाज तो जाना ऐसा दिमाग खराब होता मेरा अगर वही से रहता मेरे आगे आया कि दिमाग खराब होता मैं बहुत भयानक तरीके से चकड़ो उसको चलते टुकड़े करा दूं पूरे हाँ करा दूं हाँ उससे पहले सही से बोल दे मेरे को कौन डाले जल्दी उसके आंख में कौन लाके फंसाए असल में तू फंस गया ये तेरा दुश्मन नहीं है उसे लाके इसके आंख में तेरे को फंसाया वो तेरा दुश्मन है समझा ना उसकी मार पड़ रही दोबारा गया मार लेने को यहाँ पे तुम कितना फंसा दिया जादूगर ने वो लोगों ने इसकी आंख में अब तो कितनी मार पड़ रही वो लोग आ रहे मार खाने को नहीं आ रहे वो सुकून में बैठे आ ले तेको मार पड़ रही मजे ले रहे वहां से देख के हो तेको मार पड़ रही तो और तू उनके वास्ते कई को वफादारी कर रहा चल बोल दे मुझे सही सही उनके सबके नाम शाबाश लगाओ जोर से कौन डाला था उसके आंख में तेको लाके औरत थी अर्मिता पूरी ताकत लगा के कौन था वो औरत की आदमी था जिसने तुझे बुला के फंसा दिया यहाँ इसके आंग में बोल ये बच्चे को कहने मिला खिलाए थे सही जबान में बोल सबको समझ में आना चल कहने ये कौन सी जबान है हाँ बोल कहने मिला की बात हिंदी में बोला मैं आपको वो जबान नहीं समझती समझती जबान हम आपको हिंदी में बोलना पड़ता कहीं में मिला खिलाए थे बच्चे को क्या दुश्मनी थी कौन जादू करा असल में जादू करके उसके बीच में तू पिस गया इसके आंग में आके देखो देख कितनी मार पड़ रही अब तो अगर मेरे को सही से नहीं बोला तो मैं तेको भसम कर दूंगा शाबाश बोल उसका नाम कौन है वो बच्चा खुद आया था तेरे पास फंसने को सही बोल अच्छा तो तू तेको ला के छोड़े इसके आंग में हाँ बच्चे के आंग में छोड़े लाके बोल बच्चे को कहाँ से पकड़ा तूने तुझे अच्छा तू आ गया तो तू कहाँ से आया तू खाने में मिला के डाले के खुद ब खुद लगा खाने में मिला के छोड़े थे खाने में मिला के छोड़े थे तो औरत ने छोड़ी थी आदमी ने छोड़ा था आदमी ने क्या औरत ने औरत औरत ने छोड़ी कब्रिस्तान से लाए मक्का नोएडा से लाए कहाँ से लाए कब्रिस्तान से लाए मक्का नोएडा से लाए हाँ बोल कब्रिस्तान कहाँ से
तेरा हिंदी में जवाब था, जवान नहीं समझती। हाँ चल, तू क्या है तू? हाँ खंकार, शेर के जैसा खंकार के बता। हम चल जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। इतना जाता तुझे खंकार ने? किसका शेर है तू? हाँ लगा, और जोर से लगा पूरी ताकत। हाँ तुझे बात नहीं आती करने? बात करने नहीं आती। चल जा, बात सीख क्या, अगले चक्कर में हम सब सुनाना, अगले चक्कर तक सब सीख के आना। कौन दादे? चल खंकार के बता एक बार शेर के ज्यादा जोर से। खंकार, और जोर से, शेर के जैसा खंकार, शेर के जैसा दहाड़, जल्दी शेर के जैसा। चलो देख लिए ना क्या है वाला, तो कौन है क्या? उसको बात इच करने नहीं आती ना, उसको क्या छोड़ा वाला देखें तुमने? फिर भी बेचारा सीख के आएगा, आप जानते हैं गोली का। अरे वो बोल रहा हूँ बस शेर। चल अच्छे बच्चे, जाके सब याद करके आना। कौन डाले थे कूस के आंग में, क्यों छोड़े थे, कब छोड़े थे, समझ गया मैं कौन है तो तू अच्छे से समझ। शाबाश, अगली बार तक सब याद करके आना, सबके नामा बीमा, कौन डाले थे, कहीं में मिला खिलाए थे, उसके बाद में। शाबाश, और उसके अलावा क्या बोलते तो हिंदी सिक्के भी आना, समझ गया ना? शाबाश। चल अब क्या डालो मेरे हाथ में पानी, क्या है देखे हो, आया समझ में? चलो जा शाबाश। शेर जिन्नातों में नस्ल रही थी शेर की जैसी, उसको हिंदू लोग नरसिम्हा बोलते, वैसे किस्म का। हाँ जा शाबाश, चल हाँ इसको थोड़ा जान दो, इसको कभी याद करके आना। नहीं जा रहा तू, देखो याद करके आना पड़ेगा, और बाद में तेरे को हम निकाल के लेंगे, हमारे पास में रखेंगे। छोड़े वाला है वो, पकड़ के लाके उसके आगे फंसा खिला के करके। और वो क्या है तो तुम उस लोग वीडियो को गौर से देखो, तो तुम मेरे मुंह से तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। वीडियो चालू क्या, मेरे मुंह से तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं ही कुछ बोला तो लोग बाद में पकड़ लिया। मुझे जरूरत ही नहीं बोलने की, वो मुझे क्या बोल दिया गौर गौर से सुनो तो मकसद समझ में आ जाता। हाँ चल जा शाबाश, जा बाहर। हाँ जा शाबाश चल। अरे क्या हो गया मियां, क्या नाम है उसका? मोहम्मद इमरान। इमरान क्या हो गया इमरान, ऊपर देखो इधर आइंदा लोग क्लास में। इमरान पानी पियो, इमरान चल पानी पी, इमरान पानी पी। इमरान क्या होगा बेटे? हाँ इधर देखो क्या हो गया, ये कौन है? अब्बा। वो कौन है? तो दो कैमरे चलाने वाला भाई है भाई। अच्छा आओ, क्या काना का कुटो चार बजे? हाँ कांटो जाओ, नमाज नहीं होती कांटो से, तो निकाल दो तो चार चिपका लो, चिपका लो, चिपकाया ना सुराग लगा ना, सुराग लगा नमाज नहीं होती। हाँ क्या बोलते थे वो तुम्हारे, को भी कुछ याद है क्या हुआ था? नहीं। अच्छा और क्या बोलते थे वो, अंदर आए थे तो कितना याद है यहाँ पे?
सलाम दुआ करे बस। तुम्हारा बयान में आया था सब बोल के गया, उसको बात करने नहीं आती। वो है वो कौन से नस्ल का है वो नरसिम्हा का था, वो आधा इंसान आधा शेर वैसे खत्म का जिन्न आते हो और जो भी है तो उसको आगे पूछा देंगे सब ला के गया हिंदी सीख के आगे बोलेंगे आपने और दूसरी बात आगे बोलेगा वो। और अभी तो तुम पूरा वीडियो देखने के बाद तुम आप समझ में ना कि पहले पहले यहाँ किसका दिमाग काम नहीं करता। तुम्हारे पानी पिलाओ बोले तुम इतर लगा रहे इतर लगाओ बोले पानी पिला रहे क्या है तो दिमाग काम नहीं करता। पहली बार किसका भी देख के लाई उन्हें अब उसके बाद में आप क्या करना वीडियो को आराम से देखते बैठना उसमें तुम्हें सब समझ में आ जाता क्या दास्तान थी क्या क्या हुआ। और दूसरी बात के नाम आप इमाम सब आगे के तीसरे चौथे राउंड में पूछूंगा मैं उसको हिंदी सीखने का मौका दिया उसको जाके उन्हें सीख के आगे बोलेगा फिर उसके बाद में सब नामा निकल जाते क्या है कौन और। मगर मेरा जवाबदारी नहीं रहती उसकी इसके बिना नामा शैतान लिंगान तुम आगे मेरे को बोलेंगे क्या वो तुम जानो हम जिसका नाम निकला उन्हें जान धंधे पानी में बहुत परेशान रहता। अच्छा जो धंधा नौकरी जुड़ जाती है वो जी बंद हो जाती है इसकी कभी वो करवाता हूँ ना वहाँ पे वो उसको निकाल देते ना उसको निकालते निकालते निकाल देते इन्हें दूर हो जाता अल्लाह कम से कोई मसला नहीं आती क्या कुरान पढ़ने आती क्या आता मतलब देख के पढ़ो याद करो हिंदी में उर्दू में जो जबान में पढ़ते होंगे पढ़ो अव्वल आखिर ग्यारह बार दरूद शरीफ पढ़ो नमाज फजर के दस बार सूरह मुज़म्मिल कंटिन्यू पढ़ो नंबर दिन तक। हाँ और दूसरी बात क्या बोलते तो दस और क्या बोलूँगा मैं नमाज की पाबंदी करो और पांच टाइम की नमाज पढ़ो करो इबादत ज़्यादा ज़्यादा करो ये सब खेल करके छोड़े आला है कौन छोड़ा क्या छोड़ा मेरे को समझ में आ गया मगर मेरे मुँह से मैं नहीं बोलता मेरे मुँह से बोल के क्या मतलब था तुम्हारे मुंह से तुम्हारी दास्तान पूछा दी सब खत्म हो जाती शायद ही कोई एक हंगा जो ऐसा इलाज करता जो सामने लाके जिसके उसके मुंह से पूछा देता वो है अपने पास होता वैसा बाकी तो सब लोग अपने मुंह से कुछ भी बोलते वो बात मजे के नहीं रहते दास्तान सही है। और क्या ऐसा अच्छा नहीं है एक दूसरे के ऊपर तुम लोग जादू टोने कर रही क्या चल रहा है आलम दुनिया कयामत के करीब तो चले गई मगर तुम आपका सह अल्लाह उसके रसूल का तुम्हारे दिलों में डर और खौफ नहीं रहा वो उड़ गया बोल के तुम नालायकों को शैतानों के साथिया बन गए तुम और शैतानों के साथिया बन गए इब्लीस के पुजारियों के पास जाके ऐसे लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे। तुम अगर अल्लाह को और उसके रसूल को मानने वाले रहते थे और तुम अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाले रहते थे तो तुम शैतान के पुजारियों के पास जाके ऐसे हरकत नहीं करते थे लोगों की जिंदगियां खराब। तुम क्या सोच के एक दूसरे की जिंदगियां खराब कर रहे खिला दे रहे कर रहे नालायकों ये मत भूलो कि ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और जब अल्लाह तुम पर रहम नहीं करेगा तो फिर कहाँ जाएंगे बचने को जगत नहीं मिलेंगे तुम्हारे क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता कि ऐ जिन और इंसान भागो तुम कहाँ तक भाग सकते भागो अल्लाह की रियासत छोड़ के निकल जाओ कहाँ तक जा सकते हो तुम जाओ तुम जहां तक भी भाग के जाएंगे तुम जहां पे भी जाके पहुंचेंगे तुम वहां पर खुदा को ही सुल्तान पाओगे अल्लाह खुद फरमाता या माशरल जिन्न वल इंस इन्नतुमन तनफुजु मिन अख्तार समावाति वल अर्ज फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान ऐ जिन और इंसान भागो अल्लाह की रियासत छोड़ के कहां तक भाग सकते तुम जहां तक भी भागोगे वहां पर तुम खुदा को ही सुल्तान पाओगे। तो फिर जब अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा अल्लाह या रहमुल्लाह मल्ला या रहमुन्नास तर्जुमा अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे तुम अगर ऐसा हरकत करेंगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे पे कहां से रहम करेगा और तुम फिर किसकी रियासत में जाकर पना लेंगे कहीं तक भी तुम भागेंगे तो वहां सब अल्लाह को सुल्तान पाएंगे तुम। ये सब हरकतों से बाज आओ ना तुम्हारी दुनिया रही गई ना तुम्हारी आखिरत रही दोनों तुम अपने हाथों से बर्बाद कर रहे और बाद में फिर तुम बोलेंगे अल्लाह को अल्लाह ने बर्बाद करा अल्लाह किसी को बर्बाद नहीं करता अल्लाह सबसे 70 माँ की मोहब्बत करता इंसान को तबाह बर्बाद कर देते उसके आमाल इंसान को जहन्नुम में डाल देते उसके आमाल इंसान को खबर में आजाब दिलाते उसके आमाल अल्लाह नहीं देता किसी को आजाब अल्लाह किसी को नहीं करता क्योंकि उसके आमाल करते। इस वास्ते आमालों से बाज आ जाओ अच्छे आमाल रखो तो अच्छा उसने सलूक रखेंगे सबके साथ तो अच्छे रहेंगे। कुछ भी हरकत है कोई कुछ भी कर रहा कोई कितनी मनमानी कर रहा हो तुम अल्लाह को बोलो ना दुआ और बद्दुआ में ऐसा तासीर है जिसके लिए तुम बोलते दुआ में याद रखना दुआ में याद रखना। हजरत अली की रिवायत हजरत अली फरमाते मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता कि जो लोगों से कहता फिरता मुझे दुआ में याद रखो मुझे दुआ में याद रखो और जबकि उसकी माँ जिंदा है उसके घर में मौजूद
माँ को नहीं बोल रहे, लोगों को बोलते फिर दुआ में याद रख, कैसा माहौल बना दे रहे दुनिया का, कैसा आलम चल रहा, गाने याद हो रहे तुम, आपको पिछड़ा याद हो रहे, टीवियां याद हो जा रहे, सब हर चीज क्या क्या चलाना आ रहा, मगर तुम हदीस कुरान कैसे नहीं पढ़ रहे, कैसे नहीं याद कर रहे, दुनिया आखिरी दौर चल रहा दुनिया का, और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि तुम्हारे जेब में हर चीज है, बटन मारो सब हाजिर, बटन मारो हर चीज हाजिर, जाओ किताबा खरीदो खोल के लाके पढ़ो, इतना टेंशन ही नहीं, बटन मार के अच्छा यूज करो मोबाइल का भी, मिस यूज करेंगे तो उसका फिर जवाब भी देना पड़ेगा ना अल्लाह को, क्या जवाब देंगे जब अल्लाह पूछेगा कि 12 घंटे 10 घंटे 6 घंटे मोबाइल में लगा था तू, क्या क्यों टाइम वेस्ट करा होता मोबाइल में, क्या जवाब देने अल्लाह, कल कुछ नहीं होने वाली, एक पानी के खतरे का तक हिसाब लेंगे अल्लाह, पानी का खतरा भी तूने एक जाया करा तो कहाँ करा और क्यों करा, इतना पानी इतना ज्यादा क्यों जाया करा, हर चीज का सवाल होने वाला है, क्या जवाब देंगे तुम अल्लाह, तुम्हारे लोगों को तो मेरे को बोलने को अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि तुम कैसा है बरोबर अच्छे और नेक जो लोग रहते हो किसी पे जादू टोना नहीं करते, जो शैतान की औलादा पैदा होते उन्हों एक दूसरे पे जादू टोने करते, मेरे को बोलने को अल्फाज, जादू टोने करके आके भी मनमाना करके दिखाते, नामा निकलने के बाद हम करे क्या, हम करे क्या, मेरे क्या बाप के रिश्तेदार है क्या लोग, जो मैं बैठ के तुम्हारे नामा बोलूंगा, मैं क्या तुम्हारे पहचानता हूँ क्या, वो शैतान जो बोल रहा हूँ सुनो, और शैतान झूठ कहीं को बोलेगा उसको मार पड़ रही ना, उन्हें जान बचाने के वास्ते उसको जो भी उसको मार पड़ रही, तो उन्हें बचने बचाने के वास्ते बोल रहा हूँ कि मैंने मेरे को उन्हें छोड़ा इन्हें छोड़ा, हंस के ठिल्लर आ करके थोड़ी बोल रहा हूँ, हंस के छिचोरे चाले करके बोला हमने तो मुमकिन है झूठ बोल सकता, इंसान और शैतान दोनों की फितरत है झूठ बोलते, जब मार पड़ी कि सही बोलते, फिर मार पड़ती ना उनको, मार पड़ा के पूछते हूँ अल्लाह कलाम की ताकत, नहीं करना नहीं करना, बहुत बुरी चीज है, एक दूसरे के ऊपर मत चलाओ जादू टोना, बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक चीज है, तुम्हारी जिंदगी दूसरों के खराब करती, और जो करने वाला सोचता मैंने उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जादू टोना करके, मगर बेवकूफ तूने तेरी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर लिया ना उस पर जादू टोना करके, तो ना मत करो, मेरे को बोलने को तुम्हारे लोगों का अल्फाजा नहीं है, सुधर जाओ बाज आओ, देखो क्या आलम हो रहा, तुम अगर से क्या बोलते तो सही तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे तो पूरे दुनिया में क्या बोलते, तो अल्लाह क्या बोलते, तो मुसलमानों पर कैसे बादशाह मुसल्लत करके रखा, जो कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया ना कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को अगर मजबूती से नहीं थामेंगे तो अल्लाह तुम पर जालिम बादशाह ऐसा मुकर्रर कर देगा कि जो तुम्हारा वो भी काफिर का वो जो तुम्हारे बूढ़ों पर भी रहम नहीं करेगा, हक है पत्थर की लकीर है कुरान की बात, देखो आज के आलम है, तो फिर तुम इस खुद देखो समझना था तुम्हारा, पढ़ेंगे तो मालूम होगा तुम, आप नहीं पढ़ेंगे तो कहां से होगा सब दास्तान, हजरत अली की रिवायत है कि काफिर की रियाया में तुम हैं और काफिर बादशाह आदिल पसंद भी है तो भी तुम चौकन्ना रहो, क्योंकि अल्लाह गाफिल की मदद नहीं करता, अल्लाह गाफिल की मदद नहीं करता। चलो मेरे पास बोलने को अल्फाजा नहीं है, नमाजा पढ़ो इबादत करो इतना बोलूंगा मैं, और तुम्हारे लोगों को क्या बोलूं मैं, तुम इस लोग खुद बड़े फतवे देने वाले बन गए आले, तुम्हारे ना के लेके बैठे है मेरे को बोलने को कुछ नहीं बोलता मैं, चलो अच्छा नहीं दिखता मेरे को, गुस्सा आ जाता है सब चीजें देख के, क्या अलग कर रहे किसके, एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे, कई को कर रहे ऐसा, क्या तुम्हारे पेट में अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, कल को अल्लाह तुम्हारे औलाद को आजाब में घेर लिया तो फिर क्या करेंगे तुम, इस वास्ते शुरू से इंसान ने ऐसा सोच के रहना, अच्छे अखलाक वाला इंसान मत करना दुनिया में, बोलते नहीं क्या वो एक शेर आया, मैं शेर लिखा था, क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी में ऐसे मौके तलाश करते हैं जिंदगी किसी के काम आ जाए, कल जीवन का मकसद बना इसे दुनिया तुझ पे नाश करे, कल तू घर मर भी जाए तो दुनिया तुझको याद करे, अभी तो ऐसा तुम बना के जा रहे आलम कि दुनिया मर गए तुम लोग तो दुनिया बोलेगी मर गया मर्दूद, तुमको और आजाब होगा खबर में, किसका क्या जाने वाला है, कैमरा घुमा रहे किसका क्या जाने वाला है, सही है गलत है बोलो तुम लोग, सही बात है बोलो, और कुछ बोलना है तुम्हारे लोगों को, वो जो रहता तो अम्मा उसकी जोर से लाके खिला के करके बिठाते हैं, वो मई तो नहीं बोला, वो उन्हें खुद बोली ना उसकी दास्तान सुनी तुम्हारा
रोजी रोटी से भी सो लेता है रात पर। काम क्या करते थे तुम? मैं बीएचएमएस डॉक्टर ड्यूटी सब छूट गई ड्यूटी। अरे कहाँ था ड्यूटी? हॉस्पिटल में, इमरजेंसी हॉस्पिटल में। आयुर्वेदिक इमरजेंसी वाले में खुद का था लाइन नौकरी का ड्यूटी। तो बीएचएमएस कौन से हॉस्पिटल में सरकारी में लेते हैं? एलोपैथिक।